हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मेंटर में। आज का हमारा लेसन प्लान है वो है सामाजिक विज्ञान का। प्रकरण है ग्रामीण रहन सहन एवं स्थानीय स्वशासन। ये आप कक्षा 6, 7, 8 या 9 किसी में भी पढ़ा सकते हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग 360p पे प्ले करिए, सब कुछ बहुत क्लियरली विजिबल रहेगा। सबसे पहले राइट हैंड साइड में दिनांक समय कालांश लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में विद्यालय का नाम कक्षा विषय उपविषय। प्रकरण होगा हमारा सेंटर में जो कि है ग्रामीण रहन सहन एवं स्थानीय स्वशासन। आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ हमारी साइड हेडिंग है सामान्य उद्देश्य, एक एडिशनल मार्जिन ड्रॉ किया गया है और उसके बाद हमने 3 सामान्य उद्देश्य लिखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप 2 और सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं। वीडियो को आराम से पॉज करके आप पढ़िए, समझिए, लिखिए या फिर आप इसी को कॉपी भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप 3 और सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ आप 3 विशिष्ट उद्देश्य देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखते हैं अपने TLM के बारे में, जो भी आपने TLM बनाया है वो लिख दीजिएगा। सहायक सामग्री के बाद आ गया हमारा पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ गए हम लोग प्रस्तावना पे। साइड रीडिंग है हमारी प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना के प्रश्न, प्रत्याशित उत्तर। 2 प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये रहे बचे हुए प्रश्न प्रस्तावना के। तीसरा और चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न के बाद आप देख सकते हैं उद्देश्य कथन। आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य कथन के बाद आ गया हमारा प्रस्तुतीकरण। शिक्षण बिंदु आप देख सकते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पट सारांश, एकदम सेम इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट है लेसन प्लान का। साइड हेडिंग होगी हमारी सामान्य परिचय। 3 प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ। आगे बढ़ते हैं, छात्र अध्यापक कथन पे आ गए हैं हम लोग। ये आधा है, इसका बचा हुआ भाग नेक्स्ट पेज पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और ये रहा हमारा बचा हुआ भाग छात्र अध्यापक कथन का। अब हमारी दूसरी साइड हेडिंग है रहन सहन, उससे रिलेटेड 3 प्रश्न आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं छात्र अध्यापक कथन पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारा बचा हुआ भाग छात्र अध्यापक कथन का। तीसरी हमारी साइड हेडिंग है स्थानीय स्वशासन, इसके भी 3 प्रश्न आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छात्र अध्यापक कथन आ गया तीसरी हेडिंग का। आगे बढ़ते हैं,
ये रहा हमारा बचा हुआ छात्र अध्यापक कथन तीसरी हेडिंग का। छात्र अध्यापक कथन के बाद आ गए हम लोग लेखन एवं निरीक्षण कार्य पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ जिन्हें ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको इस चैनल में बहुत सी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत से लेसन प्लान हैं, कई क्लास के कई सब्जेक्ट के लेसन प्लान हैं। अब आ गए हम पुनः आवृत्ति के प्रश्न पर। यहाँ आप चार प्रश्न देख सकते हैं, आप चाहें तो प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं, 5 से 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। और लास्ट में है हमारा ग्रह कार्य, यहाँ एक ग्रह कार्य लिखा है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा ग्रह कार्य दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो मेरे लाइक सजेशंस हो वो मुझे कमेंट करके बताइए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिस टॉपिक पे आप लेसन प्लान चाहते हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।